हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि आगामी 20 अक्टूबर को बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। इस दौरान पहाड़ आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे कि वहाँ स्वयं भू कानून और मूल निवास लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार वह भी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि राज्य में सबसे सशक्त भू कानून और मूल निवास की समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि इसी मंथन को आगे बढ़ाने के लिए 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। समय से हम और हमारे साथी लोग इस राज्य में मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी मांग है केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान के अनुरूप मूल निवास और भू कानून हो। संविधान में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को कंप्लीट करने के लिए हमें अधिकार दिए है, वो अधिकार है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची। हम उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग संविधान की 5वीं अनुसूची को फुलफिल करते हैं, ट्राइबल स्टेटस को फुलफिल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में ट्राइबल स्टेटस घोषित किया जाए, यानी पूरे उत्तराखंड में भारत के संविधान में निहित 5वीं अनुसूची लागू की जाए, जिससे संपूर्ण उत्तराखंड को 100% भू कानून मिलेगा और मूल निवास 1950 मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड के नदियाँ, उत्तराखंड के जंगलों में 100% हमारा अधिकार होगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए संविधान के अनुरूप 7.5% आरक्षण निहित होगा। हमारे बच्चे IAS, PCS और तमाम अधिकारी बनेंगे, और हम चाहते हैं कि पर्वतीय राज्य में, चाहे मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों में अगर ये लागू है 5वीं और 6th शेड्यूल, तो हमें क्यों नहीं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम 100% भू कानून और मूल निवास की बात कर रहे हैं।